Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, welcome back to my channel. In 22nd April, we celebrated our first marriage anniversary. And that day, we visited Shivaham Temple, which is situated in HL, Bangalore. And this is the entrance gate. And it's a locality. Shivaham Temple is near to Comfort Mall and Cloud Nine Hospital, HL. So first we purchase some fruits, agarbattis, flowers, and after that we entered the mandir. So guys, in today's video, I am going to show how to enter Shivaham Temple and what is the procedure. So Shivaham Temple में enter करने के लिए आपको 150 रुपीस का एक coupon खरीदना पड़ता है. After enter the mandir, we first was the huge Shivji statue, and it's so beautiful. So guys, मैंने इससे पहले इतना बड़ा शिवजी का स्टैचू कभी नहीं देखा. So मुझे बहुत अच्छा लगा. And here you see some bowl of Rudraksh. हमने यहाँ से एक बल रुद्राक्ष लिया और यहाँ पे एक समधागास भी था साथ में. तो यहाँ पे 101 रुद्राक्ष मिलता है आपको, जिनको आपको एक एक रुद्राक्ष 108 कलश में ओम नमः शिवाय करके डालना पड़ता है. उसके बाद हमने शिव जी का जलाभिषेक किया कोकोनट वाटर से. एंड यहाँ पे गणेश जी का छोटा सा एक मंदिर है, वहाँ पे हमने पूजा किया. एंड आफ्टर दैट हमने ये धागा यहाँ पे बांधा. ओम नमः शिवाय करके 3 बार ये धागा बांधना पड़ता है. सो गाइस, हमें पहले ऐसा लगा था कि मंदिर में कूपन देके क्यों एंटर होना. फिर जब हमने मंदिर में एंटर किया और हमने पूरा देखा उन लोगों का प्रोसीजर क्या है पूजा का, तो हमें पूरा एकदम बहुत अच्छा लगा हमें कि हर मंदिर में ऐसे पूजा वगैरह नहीं होता, तो हमें बहुत अच्छा लगा. उसके बाद हमने यहाँ पे एक केव जैसा बना हुआ था उसके एंटर किया. और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे जो शिव जी का मंदिर होते हैं, जैसे अमरनाथ हो गया, फिर ऋषिकेश हो गया, फिर हरिद्वार हो गया. इन सभी मंदिरों को छोटा छोटा करके यहाँ पे बनाया गया हुआ है. सो पहले मंदिर में यहाँ पे बद्रीनाथ लिखा हुआ है. सो यहाँ पे बद्रीनाथ में जैसे शिव जी का शिवलिंग होता है, वैसे ही यहाँ पे एक डेमो जैसा बनाया गया हुआ है. फिर हियर यू सी केदारनाथ. केदारनाथ में ऐसे शिव जी का छोटा सा लिंग है. उसके बाद अमरनाथ, आइस का शिवलिंग. और अंदर बहुत सारा अंधेरा था, बट अच्छा लगा. ऐसे मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी. उसके बाद हम यहाँ पे शिव जी का फिर से जल अभिषेक. After that we entered another cave.
यहाँ पे भी कुछ शिवलिंग बनाया गया हुआ है छोटा छोटा करके। आप देख पाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। जैसे पूरा पूरे भारत में जितना भी शिव जी का मंदिर है उनका छोटा छोटा करके डेमो बनाया गया हुआ है। और यहाँ पे नारद जी का एक स्टेचू बनाया हुआ है, जैसे यहाँ रामेश्वरम, यस रामेश्वरम का बनाया गया है। तो शिवजी का मतलब मेन जो जितना भी मतलब प्लेस है जहाँ मतलब शिवजी के लिए प्रसिद्ध शिवजी का प्रसिद्ध मंदिर वगैरह होते हैं उन मंदिरों का छोटा छोटा करके डेमो बनाया गया हुआ है। फिर गेट से निकलने के बाद यहाँ पे बहुत मतलब बड़ा सा शिव जी का स्टैचू था। और हमें ये भी मिला था तिल का छोटा छोटा ब्लैक कलर का पोटली बना के, फिर एक तांबे का एक कॉइन भी मिला था जिनको ओम नमः शिवाय करके यहाँ पे छोड़ना था हमें। फिर हमने ये किया, फिर दिया भी जलाना था। यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, इसमें हमें एक दिया जलाना था। फिर यहाँ पे शिव जी का छोटा सा फिर से एक शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा वगैरह होता है तो वहाँ पे प्रणाम करना पड़ता है। और आफ्टर दैट यहाँ पे आप मतलब कोई भी हवन वगैरह या पूजा वगैरह के लिए कोई भी आते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक विशेष प्रकार का पूजा हो रहा है। फिर हम मंदिर से निकले और निकलते ही यहाँ पे एक छोटा सा एक मार्केट जैसा एरिया था। यहाँ पे आपको मतलब घर डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा सामान और फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह थे जो एंटिक पीस उन्होंने बोला था कि बहुत दूर दूर से आते हैं गांव से हैंडमेड चीज़ें लेके। और पत्थर का था, फिर फोटो वगैरह, फिर पत्थर का शिवलिंग वगैरह ये सब भी थे। एंड आफ्टर दैट वी केम बैक टू होम। एंड मैंने वहाँ से क्या खरीदा, एक छोटा सा शिवलिंग खरीदा था, पूरा हैंडमेड था ये एंड स्टोन का था पूरा, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि मैं इसको मेरे मंदिर में स्थापना करूँगी। बहुत क्यूट सा था और इसका ये मुझे अराउंड 300 तक आया। कर्नाटक के किसी छोटे से गांव से आए थे ये सब, मतलब हैंडमेड था, पूरा स्टोन का था, तो मुझे बहुत प्यारा सा क्यूट सा लगा तो मैंने खरीद लिया। और मैंने सोचा कि ये मैं अपने मंदिर में स्थापना करूँगी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।